मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बॉलीवुड की क्वीन बनने के लिए ढेर सारे स्ट्रगल के साथ बहुत महंगी कीमत भी चुकानी पड़ी है। संघर्ष के दिनों में उनका कई बार शारीरिक शोषण हुआ। कंगना को तरह तरह की यातनाएं दी गईं। एक बार तो उनके साथ ऐसी मारपीट की गई कि उनके सिर से खून भी निकलने लगा। ये सारी बात कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे वो बहुत कम उम्र में कुछ करने का सपना लेकर मुंबई आई थी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लोगों के बीच वो फंस गईं। कंगना ने यहाँ पर उस आदमी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि एक ऐसा समय भी आया जब उन्हें लगने लगा कि उन्हें इस दलदल से कोई भी नहीं निकाल पाएगा। कंगना ने बताया कि वो शुरुआती दिनों में उनके मेंटर की तरह थे, लेकिन धीरे धीरे उसने मेरा शारीरिक शोषण करना, यातनाएं देना शुरू कर दी। आगे उनका कहना था कि वो पल मेले काफी मुश्किल भरा था। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जिंदगी का वो पल मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला पल था। जब उस शख्स के बारे में पूछा गया तो कंगना ने उसका नाम नहीं लिया। उन्होंने बस इतना कहा कि उस समय मेरी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और वो इंसान लगभग मेरे पिता की उम्र का था। वो बार बार दिखावा करता था कि वो मेरा गॉडफादर है। तो ये था बयान कंगना रनौत का अपने स्ट्रगलिंग टाइम को लेकर। अगर आपको याद ना हो तो हम आपको याद दिला देते हैं कि कंगना रनौत के शुरुआती दिनों में आदित्य पंचोली को उनका गॉडफादर कहा जाता था। अब यहाँ पर कंगना रनौत उनकी या फिर किसी और की बात कर रही हैं? इस सवाल का सही सही जवाब तो कंगना रनौत के ही पास होगा। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।